और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ बड़ी अनहोनी हो गई है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, जो विकेट कीपर बल्लेबाज है और अपनी बैटिंग के साथ साथ अपने विचारों के लिए भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, ऋषभ पंत का भीषण एक्सीडेंट हुआ है। ऋषभ पंत की कार रुड़की में दुर्घटनाग्रस्त हुई है और रेलिंग को तोड़ती हुई हाईवे पर पलट गई है, जिसके बाद उसमें आग भी लग गई। देखिए, बुरी दशा हुई है इस कार की। इस कार में बैठ सवार थे ऋषभ पंत, जिनको अस्पताल ले जाया गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और पंत की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। रुड़की से दिल्ली रेफर किया गया है। उनके पैर और सिर में चोटें बताई जा रही है। तस्वीर इस वक्त सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। आज सुबह दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे ऋषभ पंत और उनके साथ कार में उनका ड्राइवर था। गाड़ी में ड्राइवर के साथ अकेले ऋषभ पंत उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे और रुड़की में डिवाइडर से उनकी कार टकराई है अनियंत्रित होने के बाद, जिसके बाद गंभीर रूप से वो घायल बताए जा रहे हैं। उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें हैं। रुड़की में डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि उनके इलाज के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी। ऋषभ पंत की कार रुड़की में दुर्घटनाग्रस्त हुई है और रेलिंग को तोड़ती हुई हाईवे पर पलट गई है, जिसके बाद उसमें आग भी लग गई। कार की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई तस्वीरें इस वक्त सामने आई है और पंत की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय क्रिकेटर है ऋषभ पंत, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज और खासतौर से पिछले दिनों बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका शानदार प्रदर्शन भी रहा। इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि सुबह दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे ऋषभ पंत, जहां पर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और दुर्घटना कितनी भीषण है ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद उसमें आग भी लग गई। लग्जरी कार थी, किस कंपनी की कार थी ये तो नहीं इस वक्त पता चला है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो जरूर डराने वाली है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का भीषण एक्सीडेंट उत्तराखंड में हुआ है, रुड़की के पास की ये घटना, जहां पर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और रेलिंग को तोड़ती हुई हाईवे पर पलट गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ पूरे देश के लिए आज शोक का माहौल लगातार जिस तरह से बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, उनका निधन हुआ है आज, और जो ऋषभ पंत की दुर्घटना की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो भी डराने वाली हैं। हालांकि ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनको दिल्ली रेफर किया गया है जहां पर उनका ट्रीटमेंट होगा। आज सुबह दिल्ली से उत्तराखंड के लिए ऋषभ पंत रवाना हुए थे, कार में उनके साथ उनका ड्राइवर था जो कार को चला रहा था। तो कारण क्या रहे जिस दुर्घटना के, उसकी स्थितियां साफ नहीं हो पाई है। माना ये जा रहा है कि सुबह के वक्त कार अनियंत्रित हुई, या तो स्पीड ज्यादा थी या फिर ड्राइवर की कोई चूक रही। लेकिन इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि ऋषभ पंत दिल्ली उनको भेजा गया है, रेफर किया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऋषभ पंत की कार रुड़की में आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आज सुबह ही सुबह तड़के वो दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे और कार में उनके साथ उनका ड्राइवर ही था और कोई नहीं था। कार की पूरी तरह जो क्षतिग्रस्त हुई तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद कार में आग भी लग गई, जिस वजह से कार बुरी तरह से जली हुई नजर आ रही है तस्वीरों में। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ बड़ी दुर्घटना हुई है और अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हालत उनकी खतरे से बाहर है लेकिन गंभीर बताई जा रही है।